तो ये हमारा पार्ट टू है लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 1.4 का। इसमें हम करेंगे सम नंबर टू को, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई, 2 अपॉन एक्स माइनस वाई, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, ब्रेक करके कैसे लिखोगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो हमारा इसको अलग हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम क्या मानेंगे, कुछ भी मान लो, एम मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, हम उनको एम ही मानकर चलेंगे। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई, एम हो गई है। यहाँ लिखता हूँ ऊपर टॉप पे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, हमने एम अज्यूम किया है, क्या अज्यूम किया, एम। और दूसरा वाला क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या अज्यूम करेंगे, हम एन अज्यूम करेंगे। ठीक है, ये एन अज्यूम करेंगे, तो जहाँ पर भी ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई होगा हम उधर एम लिखेंगे, जहाँ पर भी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई उधर हम एन लिखेंगे। तो देखो 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 10 m लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, यहाँ देखो 10 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 10 m प्लस में 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो क्या लिखूंगा, 2 n इक्वल्स टू 4, इधर इक्वल है 4, ऐसे लिखेंगे इसको। दूसरी वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, 15 एक्स प्लस वाई दिया, तो क्या हो जाएगा, 15 m माइनस में 5 n है ना, x माइनस वाई है नीचे, इक्वल्स टू 2, ऐसे लिखेंगे इसको। अभी हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड क्या है, हमको क्या करना होता है, कोई भी एलिमेंट को इक्वल कर, हम इसको ही देखते हैं मोस्टली, तो मैंने आपको इसी से करवाया हूँ, प्लस और माइनस दिया हुआ है और 5 और 2 दिया हुआ है। 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 5 5 5 2 10 10 एलसीएम होता है, मतलब दोनों तरफ हमको 10 बनाना पड़ेगा। तो 10 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 को किससे, 2 वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँ, पूरी इक्वेशन को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। 5 से 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 2 से, यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाली को 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली को 2 से, तो आप लिखोगे ऐसा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 इक्वेशन 2 बाय 2 लिखेंगे, तो 5 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 50 m हो जाएगा ये, प्लस 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 n हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और एक बात, ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में ये माइनस 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये जो पीडीएफ है इसमें माइनस की साइन को ले नहीं रहा है, इसके लिए मुझे बार बार देखना पड़ता है, तो जो 2 दिया हुआ है माइनस 2 दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने अभी भी किया नहीं है सब। 2 इंटू 5 क्या, 15 क्या हो जाएगी, 15 है, 30 m हो जाएगा ये, माइनस में 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10 n हो जाएगा ये, इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी इक्वेशन 3 हो जाएगी और ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। पीछे मैं वापस से लिख रहा हूँ, 50 m प्लस 10 n इक्वल्स 20, क्या दी हुई है, 50 m प्लस 10 n इक्वल्स टू 20, ये हमारी इक्वेशन 3, और नेक्स्ट वाली इक्वेशन दी है 30 m माइनस 10 n इक्वल्स टू माइनस 4 दी हुई, ये हमारी इक्वेशन 2 है, ये 4 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4 है। हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन, देखो प्लस और माइनस का साइन है, इसके लिए ऐड करें, अगर प्लस प्लस होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते, या तो माइनस माइनस होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते, तो साइन चेंज हो जाते हैं। 3 क्या दिया हुआ है, 3 एंड इक्वेशन 3 एंड 4 को हमको ऐड करिए, 3 और 4 को ऐड करिए, तो जब ऐड करोगे तो ये तो कट हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 10 तो कट हो जाएगा, 50 प्लस 30 m कितना हो जाएगा, 80 m हो जाएगा आपका आंसर, इक्वल्स टू 20 प्लस में 20 में माइनस 4 मिलाना है, ठीक है, माइनस 4 है, कैसे मिला होगा माइनस 4 को, 80 m तो वैसे ही होगा, 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये, तो 80 m इक्वल्स टू 20 माइनस 4 इज 16, तो m इक्वल्स टू 16 अपॉन में 80, क्या हो जाएगा ये, 4 जो 16, 4 2 जो 8 होता है और 0 लगा देंगे, तो 20 नीचे आ जाएगा, 4 1 जो 4 5, तो हमारी m की वैल्यू क्या आई आपकी,
एम की जो वैल्यू आई है वो है 1/5। एम की वैल्यू हमने एक वैल्यू हमारी निकाल ली अभी, ठीक है। तो अभी हमको एन की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, हम इक्वेशन वन में डालेंगे इसको। ये है हमारी इक्वेशन वन, ये वाली। तो इक्वेशन वन क्या है, 10m + 2n = 4। इक्वेशन वन है हमारी 10m + 2n = 4। सब्स्टिट्यूटिंग ऐसे लिखोगे आप पूरा, m = 1/5 इन इक्वेशन वन। जब m की वैल्यू आप लिखोगे कितनी दी हुई है, 1/5 दी हो, तो मैं लिखूंगा 10 × m है ना ये, तो 1/5 + 2n, n की तो पता नहीं है, निकाल रहे हम लोग 4। 5 1 5 2 2, तो 2 × 1 हो जाएगा 2 प्लस में 2n = 4। तो 2n = 4 वहीं रहेगा, 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 2n = 2। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/2, 2 1 2 1। ये हमने क्या निकाली, ये हमने n की वैल्यू कितनी निकाली है, n की वैल्यू हमारी 1 आई है, m की वैल्यू कितनी आई है, 1/5 आई है, ठीक है। हमारे पास दोनों वैल्यू क्या ही हमारा आंसर है, बिल्कुल भी नहीं, हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने 1/x के बदले m लिखा था, और 1/x - y के बदले n लिखा हुआ था। चलिए करते हैं, हमको m और n की वैल्यू मिल गई है। 1/x + y की जो वैल्यू थी वो हमारी थी m, 1/x - y की जो वैल्यू थी वो हमारी थी n, ठीक है। हमने अभी m और n की वैल्यू निकाली है सिर्फ, तो 1/x + y = m की वैल्यू क्या है, 1/5, और तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 × 1 = 5 हो जाएगा, x प्लस वाई ऊपर जाएगा, ऊपर 1 है सिर्फ इसके लिए, x + y = 5 हो जाएगा। अभी n की वैल्यू क्या बताया था हमने, n की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 1 आई है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर n के बदले में क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, तो x - y जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो x - 1 ही हो जाएगा, और इधर तो ऑलरेडी 1 है, तो x - y कितना हो गया, 1 हो गया। ये देखो, ये हमारी x + y है, ये हमारा x - y है, अभी भी आंसर नहीं आया हमारा। हमारे पास दो इक्वेशन फिर से बन गई है, ये थोड़ा सा बड़ा सा मैं ये एक मिनट, अभी क्या इक्वेशन आई है हमारे पास, x + y = 5, x - y = 1, ये इक्वेशन आई है, फाइनल इक्वेशन है ये। तो इसको हम क्या करेंगे, एडिंग, इसको कुछ भी मान लो आप, इक्वेशन 4 तक मान चुके थे हमने, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 मान लो, एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y + y - y कट जाएगा, इसमें कुछ एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। तो x + x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, = 5 + y क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 6/2, 2 1 2 3, x की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 3। x की वैल्यू हमने निकाली, अल्टीमेटली हमारा जो फाइनल आंसर है वो x और y में ही आएगा, ठीक है। तो अभी x की वैल्यू हमने 3 निकाली, अभी मैं इसमें ये वाली इक्वेशन में पुट करूंगा x की वैल्यू को, तो क्या होगा, x + y = 5 दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूटिंग x = 3 इन इक्वेशन 5, जो कि दी थी, इक्वेशन क्या थी, x + y = 5, ये इक्वेशन में हम x की वैल्यू 3 है उसको डालेंगे, x के बदले में क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा, सॉरी x के बदले 3 लिखूंगा, 3 है ये, 3 है, + y = 5, तो y वही रहेगा, 5 भी वही रहेगा, 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 3 निकाल, दोनों हमारा x और y की इंडिविजुअल वैल्यूज हमारी आ गई है, ठीक है। तो x और y की हमने वैल्यू निकाली, द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y = 3, 2, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज, इसमें हम दो ही सम को करेंगे, बाकी के जो दो सम है वो मैं आपको जब हम रिज्यूम करेंगे तब करेंगे, क्योंकि वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सम है, अगर मैं अभी आपको करा दूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा।